तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं तो अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आ चुके हम नए वीडियो, नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज जा रहा हूँ मैं अपने थाने, अपनी चौकी रखनीखाल पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ मेरा कुछ काम आन पड़ा है जिसके कारण मुझे थाने जाना पड़ रहा है। अभी बता के मतलब ऐसा लग रहा है ना, लोग डरते हैं कि भाई थाने में जा रहा तो क्या बात हो गई क्या नहीं होगी, एकदम डर सा लग जाता है। तो आप डरिए मत, बाकी चलते हैं, आपको पूरा पता लग जाएगा कि मैं आज थाने में क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। तो पहले तो अभी मैं प्रधान जी के घर में जाऊँगा, प्रधान जी के साथ निकलेंगे हम। प्रधान जी ब्लॉक में जाएंगे और मैं थाने में जाऊँगा। तो देखते रहिए कि क्या होगा आज मेरे साथ, थाने में क्यों जाना पड़ रहा है। और अभी तक आप चैनल में नए हो तो जो लाल कलर का बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसे सब्सक्राइब कर दो यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते, और नीचे शेयर का ऑप्शन भी होता है तो उसे शेयर भी कर दीजिए। आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस आ रही है आजकल। और कल मेरा जाना होगा माँ दीवा मंदिर, तो उसको भी उतना ही प्यार देना आप जितना इस वीडियो को दोगे। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माँ दीवा का मंदिर जो कि हमारा पोखड़ा साहिब, पोखड़ा ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ से जाएंगे हम। तो फुल इंटरटेनमेंट होगा और नाइट ट्रैकिंग होगी। तो कल आप उस वीडियो को देखना ना भूलना। वो वीडियो लगभग मैं 7-7:30 बजे डालूंगा। तो बाकी अभी चलते हैं थाने में, थाने में देखते हैं क्या होगा। अभी मैं पहुंचने वाला हूँ प्रधान जी के घर में, तो देखते हैं प्रधान जी क्या कर रहे हैं। पहले तो ये हमारे प्रधान जी महोदय का स्वीट होम है, तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं अभी। मोदाई मोहित भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा कपड़े भिगा रहे हो। आओ लाल भाई, कहाँ है लाल भाई? अरे वाह, तो ये हमारे लाल भाई भी हैं। तो आपने वीडियो में कंटिन्यू वीडियो में देखा ही होगा, ये हमारे पंडित जी हैं। और मेरा सर भी फूट चुका है इसमें, बहुत छोटा है बाकी। किस लिए बनाना ब्लॉग? अरे थाने में जाना पड़ रहा है यार, भाई क्या करे यार। थाने में चले जाना, फोन कर देंगे थाने में, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। जो थाने में सबको लगते है ना डर कि थाने में जा रहा है भाई। डरना क्यों है, चोरी थोड़ी की, हम डरना क्यों? वही बता रहा था मैं, अभी चलते थाने में देखते हैं क्या होगा वहाँ। तुम यार मेरे साथ थाने में? मोहित भाई यार मैं क्या करूँगा, मोहित भाई थाने में थोड़ा आएगा यार। जा रहे ना, कुछ नहीं पूछेंगे तेरे को, बोल देना बस कुछ भी जो बोलेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ, बाकी आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, आपको भी पता चल लगेगा कि आज थाने में क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी पहुंचने वाले हम जस्ट थाने में, प्रधान जी के घर से अभी निकले और प्रमोद भाई हमारे साथ है। तो हमें आज हम किस लिए जा रहे हो, डर भी लग रहा है तक 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 तक। ऐसी बात नहीं है, जब तक हम अपने ग्राम पंचायत में, हमें कुछ चीज़ का डर नहीं है। नहीं मतलब ये होता है ना कि हर कोई बंदा बोलता है कि थाने में चल रहे, मतलब कैसा एकदम घबराहट होती है सबको। सेवा मित्रता और जो पुलिस का एक नारा है, हाँ वो सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर हम चलते हैं। मतलब वो तो सबको पता होता ही है, पर फिर भी थोड़ी घबराहट होती है ना। नहीं नहीं, कुछ घबराहट नहीं, मतलब मुझे हो रही है, पर कोई मुझे हो रही है थोड़ी थोड़ी। हमारा तो काम है थाने में जाना बाकी देखते हैं अभी क्या होगा, चलते हैं अभी। अगर थाने वाले अलाउड करे वीडियो बनानी तो मैं जरूर बनाऊंगा, अगर अलाउड नहीं करते हैं तो फिर क्या बताएं आपको, सीधे आके ही बनाऊंगा तब वीडियो। बाकी थाने में पहुंच चुका हूं मैं, हमारा थाना पहुंच चुका हूँ मैं, अब चलते हैं जल्दी से। A few moments later. अभी जस्ट थाने से आए और क्या कहते हैं वहाँ पे पूछा क्या क्या करना है, तो उन्होंने पहले बोला कि एक एप्लीकेशन लिखनी है, फिर उसके बाद तहसील जाना है, तहसील में से जो तहसीलदार हैं उनके मोर साइन उन कराने, फिर उसके बाद ऊपर आना है, फिर उसके बाद होगा वो काम पूरा। तो अभी चलते हैं, पहले वो लेटर लिखते हैं जो भी है, फिर उसके बाद तहसील चलते हैं जल्दी से। सब कुछ सामने है ना, तो काम एकदम इजीली हो जाता है हमारा, और गांव में ही है थाना भी, ब्लॉक भी और तहसील भी, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। बाकी जो भी दूर से आते हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है कि सब चीज़ें सामने ही है। बाकी अभी पहले ब्लॉक में चलते हैं, वहाँ पे लेटर लूटर लिखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। प्रधान जी, किस चौड़ा में कितने लोग रहते हैं, आबादी कितनी? अभी मैं ये लेटर लिख के लाया प्रधान जी में, मैंने लिखा नहीं क्योंकि थोड़ी हमारी राइटिंग थोड़ी ख़राब है ना, तो मैंने कहा प्रधान जी आप ही लिख लो, काम कौन कर रहा है इतना। बाकी अब तहसील जा रहा हूँ, ये सामने ऊपर है ब्लॉक, अभी मैं इधर इधर की साइड जाऊँगा मुड़ के तहसील में मोर मरवानी है, साइन करवाने, फिर उसके बाद फिर ब्लॉक में आऊँगा और प्रधान जी के साथ थाने में चलेंगे फिर उसके बाद। तो ये है तहसील, पहले ये
गेस्ट हाउस हुआ करता था, और फिर अब जाके जब रिखणी खाल तहसील बनी तो यहाँ तहसील का पूरा काम चलता है, मतलब उप तहसील कह सकते हैं हम इसे लैंस डाउन की। बाकी अभी अंदर चलेंगे, उनसे इस पर साइन वाइन करवाते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से चलते हैं यार। बहुत लेट हो चुकी है और धूप भी एकदम तगड़ी आ रखी है, गर्मी लग रही है। और आपको फल दिखाता हूँ पहले, ये गाइस देखो, ये है हमारे क्या कहते हैं हम इसे नाशपाती। अब ये बड़े होंगे ना तब खाएंगे हम इसे टपा टपा के, मस्त होते हैं यार ये भाई साहब, इतने ऊपर होते हैं ना। हम इसके लिए ना खेलने जाते थे शाम को, हम घूमने के लिए आते थे, तो यहाँ से हमने तोड़ने थे क्या कहते हैं नाशपाती, और रोज़ नाशपाती खानी, भर भर के खानी। बाकी अभी अंदर चलते हैं यार, पहले काम कराते हैं। तो लो भाई साहब, ये होते हैं सरकारी काम, माँ कसम ये लेके मैं यहाँ आया था। और क्या कहते अभी कह रहे इस पे ई चालान लगेगा, जो क्या कहते जिसका बनवाना है उसका वो पड़ेगा क्या कहते उसे आईडी पड़ेगी, आधार कार्ड की छाया पत्री पड़ेगी ना। काम माँ कसम सरकारी काम ना, ये जो कागज़ वाला काम है ना वो बिल्कुल गंदा लगता है, वहाँ जाओ ये करो वो करो, क्या करें काम भी तो करना है हमें। अब रखने खाल जाना है, फिर सीएससी सेंटर में जाऊंगा मैं, और वहाँ जाके वो बनवाऊंगा क्या कहते हैं ई चालान बनवाना है, फिर उसके बाद फिर वापस आना है, और फिर वापस आने के बाद तब जाऊंगा थाने में, तब जाके मिलेगा। चलो वो तो ठीक है कि सब कुछ यहाँ पे नज़दीक है, मेरे को सब पता है, और जिसको पता नहीं है भाई वो कितना घूमेगा है, प्लस जिस पर गाड़ी ना हो वो कैसे जाएगा इतने दूर, कम से कम 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से सीएससी सेंटर, वहाँ जाके ये चालान बनवाएगा है, और फिर उसके बाद वहाँ से जाके फिर वापस भी आएगा। मेरा तो एक मुझे सब जानकारी है कि यहाँ पे ये है यहाँ पे ये नहीं है, जिसको जानकारी ना हो भाई सब वो इतना घूमेगा ना इतनी उससे दिक्कत होगी, कोई नहीं समझता वहाँ कसम। इन्हें ना ढंग से बताना चाहिए पहले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थाने वाले कुछ और कह रहे हैं यहाँ कुछ और कह रहे हैं, फिर वहाँ जाके कुछ और होगा सीन, इसीलिए मेरे को ये सरकारी काम पसंद नहीं आते। अब काम तो करवाना ही पड़ेगा अपना यार, माँ कसम इतनी टेंशन होती ना इन कागज़ों के चक्कर में मुझे, तभी मैं ये काम करवाना ही नहीं चाहता, चाहते नहीं कि ये काम हो भयंकर के मेरे भाई, किसी और पे पकड़ा देता मैं। जल्दी से रखने खाल चलता हूँ भाई, ये जर्मन से पढ़ना ये भी डरा रहा है मुझे भाई, भाई भूखना यार भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा तेरा, डरा मत भाई साहब, फटके चार हो गई भाई, माता भाई डरा रहा है यार ये देखो गाइस, इतने दूरी से चल रहा ना मैं, ये देखो भाई डर लग रही है भाई, मेरे पीछे पीछे आ रहा भाई ना कर भाई, मैं नहीं आ रहा भाई, भाई डरा रहा है यार ये भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, बस 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 कर बस कर भाई। अब जाके जब इसके एरिया से इधर आया ना तब चुप हुआ है, बाकी अभी चलता हूँ मैं प्रधान जी के पास में, तो मैं ब्लॉक में पहुँचा और गाड़ी मिल चुकी है मेरे को रखनी खाल के लिए, तो ये मेरे लिए सुविधा की बात है, अभी रखनी खाल जाएंगे इसमें, बाकी मेरे को तो गाड़ी मिल गई, मेरा बेनिफिट रह गया, अभी से ही लाऊँगा वापस मैं इसी में आऊँगा। बाकी ये भी अपने काम से आ रखे हैं ब्लॉक, तो आप किस काम से आ रखे थे? लोको काम से, वो भी आपका ही काम है भाई, लोको काम नहीं तुम्हारे काम से, तो बाकी अभी इसमें जाऊंगा मैं रखने काल। अब 2 hours later अभी मैं आया बाजार से, और क्या कहते 1.5-2 घंटे रहा लगभग, और मेरे को मेरा जो मेरे को निकालनी थी ई चालान निकालना था वो निकला ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क इशू भाई साहब, सुबह से ना साइड चल रही और नेटवर्क इशू अलग, साइड भी खुल नहीं रही थी भाई, कह रहे थे हमने 3-4 हॉटस्पॉट बदल के करा तब भी नहीं हुआ कुछ, बाकी आज तो मुश्किल से हो पाएगा ये काम ख़त्म भाई साहब, आज कुछ नहीं हो पाएगा काम। बाकी मौसम भी बदल चुका है, देखो मौसम बिल्कुल बदल चुका है, सुबह धूप थी और अब मौसम भी बदल चुका है, और बाकी अब तो माँ कसम खाली कागज़ ले जाके ले जाने पड़ रहे लगभग, मतलब आप मान के चलो अभी टाइम हो रहा है 2:40 और कुछ काम नहीं होकर रखा मेरा, इतना देर रहा मैं और ना मैंने खाया कुछ ना पिया कुछ, काम अलग से नहीं हुआ, अब ये काम मुझे कल कराना पड़ेगा किसी भी हालत में, और कल मेरे को कहीं और भी जाना है, तो देखते हैं भाई साहब कितनी देर तक होता है ये, कल तो नहीं मतलब वैसे आज जाऊंगा मैं,
तो वीडियो तो आपको कल मिलेगी, बाकी कल आके कराना पड़ेगा काम, मुझे होगा या नहीं मैं कसम पता नहीं चला कब होगा ये काम, देखेंगे अगर हो जाए कल तक तो मतलब कल जल्दी पहुंच जाऊंगा तो हो जाएगा। बाकी अभी इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा, घर जाऊंगा अब और उसके बाद खेलने वाले जाऊंगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को पहले तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।